राकेश कुमार, बोगी मिस्टर जयप्रकाश जी। आज AU3 ऑनलाइन क्रीम सेपरेटर की प्रोसेस वीडियो बनाएंगे। मशीन के अंदर फर्स्ट बॉल लगाएंगे। ये बॉल लगाने के बाद फिर इसको हम इधर से क्लैंप करेंगे। इसके अंदर ये हम क्लैंप कर देंगे। क्लैंप के बाद इसका हम बॉल नट है, ये बॉल नट लगाएंगे। इसमें उल्टी थ्रेड होती है, इसको हम ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको गोटी की सहायता से इसको टाइट कर देंगे। इससे ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर पिन लगी हुई होती है और इसके अंदर बॉटम के अंदर हमारा एक स्लॉट कटा हुआ था, उसके अंदर हम इसको बैठाएंगे। ये इस तरह से इसके अंदर डलने के बाद लॉक हो जाता है। लॉक हो जाने के बाद उसके बाद सबसे पहले ये हमारी डबल पॉइंट बोल्डिक्स है, इसके अंदर हम ये सबसे पहले इसको मैच करके इसको डालेंगे। इसके अंदर हमारी 70 से 72 के अंदर बोल्डिक्स डलती हैं। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे, एक नंबर से बोल्डिक्स स्टार्ट करेंगे और इसके बाद वन बाय वन हम इसके ऊपर बोल्डिक्स डालते जाएंगे। यह हमारी बोल्डिक्स का प्रोसेस पूरा हो गया। उसके बाद ये हमारी स्टिपर डिस्क है, स्टिपर डिस्क हम मैच करके इसके साथ डालेंगे। यह मिल ट्यूब इस इम्पेलर के अंदर डालेंगे। डालने के बाद अब इसको इम्पेलर को हम यहाँ पे सेट करेंगे। इम्पेलर सेट करने के बाद इसके अंदर हम ये हमारी टॉप डिस्क है, टॉप डिस्क को इसके ऊपर इसके अंदर एक की कटी हुई है, की को दूसरी टॉप डिस्क की के साथ मैच करेंगे। ये हमारा बाउल उड़ा है, बाउल उड़ के अंदर एक की लगी होती है और इसके बॉटम के अंदर भी एक स्लॉट कटा हुआ होता है। हम इसको इसके साथ में मैच करके इस तरह से हम इसको लगा के टाइट कर देंगे। ये हमारा बॉटम रिंग है, इसको हम अब इसके सहायता से इसको हम टाइट करेंगे। ये इसमें उल्टी थ्रेड होती है, रिवर्स थ्रेड होती है। अब इसको हम ऐसे करेंगे। इसके बाद ये हमारा सहायता से हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और 0-0 मैच कर देंगे। ये हमारा मिल्क इम्पेलर है। अब हम इस मिल्क इम्पेलर को डालेंगे। अब हमारा ये स्किम मिल्क कवर है, अब हम इसको की के साथ लगा के इसको मैच कर देंगे। हम ये हमारा छोटा लॉकिंग रिंग है, इसको भी इसमें भी रिवर्स थ्रेड है, ये भी हम डाल के लॉक कर देंगे और इसकी सहायता से तरह से ये लॉक कर देंगे। हमारा ये हमारा जंक्शन और ये नीचे बोनट है और हम ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, हमने इसको स्क्रू की वजह से टाइट किया हुआ है और फिटिंग कर देंगे। ये हमारा अच्छी तरह से बैठ के इसके अंदर फिटिंग हो गया। अब हम इसको ये लॉक करेंगे। ये हमारा क्रीम आउटलेट है, अब हम इस क्रीम आउटलेट को ऐसे लगाएंगे और फिर हमारा ये इसकी ये अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। ये हमारा थ्रेड लॉकिंग नट है, इसको हम इसकी तरह सहायता से टाइट करेंगे और की की सहायता से हम इसको ये ऐसे हम टाइट कर देंगे। इधर से हमारी दूध वाली पाइपलाइन इसके अंदर से आ जाती है, इनलेट होता है दूध का और ये हमारा इधर से सेपरेटर इधर से होता हुआ इधर से बाहर चला जाता है स्टोरेज टैंक के अंदर। ये हमारा सेपरेटर का ये जो प्रेशर गेज लगे हैं, ये सेपरेटर का प्रेशर बताते हैं। उसके बाद ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये क्रीम का प्रेशर बताते हैं। अगर हम बाय द वे मिल्क क्लैरिफायर करते हैं तो हम यहाँ से ये क्रीम निकलती है, इधर से क्रीम जाती है, इसको हम लॉक करेंगे, इसको इधर घुमाएंगे तो इधर मिल्क क्लैरिफायर होके आपका बाहर निकल जाएगा। धन्यवाद।